एवरीवन, बच्चों आज हम चैप्टर 4 लेजर से रिलेटेड टेक्स्ट बुक में जो हमारी एक्सरसाइज है ऑन पेज नंबर 114 वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फर्स्ट वन क्या है, आंसर इन वन सेंटेंस ओनली, व्हाट इज लेजर। अब लेजर क्या है, जब हम हमारे जर्नल से पोस्टिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस का उसे हम बोलते हैं लेजर, राइट। तो लेट अस सी किस तरह से आपको लिखना है एग्जाम में। सी दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट, लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल और सेकेंडरी एंट्री विच प्रोवाइड्स अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स एट वन प्लेस। समराइज्ड रिकॉर्ड है, सारे अकाउंट्स का है और एक ही जगह पे मिलता है, उसे हम कहते हैं लेजर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज लेजर पोस्टिंग। ओके, लेजर तो पता चल गया, अभी पोस्टिंग मतलब क्या। पोस्टिंग मतलब हमारे जर्नल से जब हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे लेजर में, हम उसे बोलते हैं पोस्टिंग। सी लेजर पोस्टिंग रिफर्स टू द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज फ्रॉम जर्नल प्रॉपर और सब्सिडियरी बुक्स टू देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। जब जर्नल से ट्रांसफर होता है रिस्पेक्टिव लेजर में तो उसे हम बोलेंगे पोस्टिंग। ओके, सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, एंश्योर दैट आप इस तरह से ठीक से लिखे बच्चों। जर्नलाइजिंग किसे कहते हैं ये हमने पहले वाले चैप्टर में देखा, इस चैप्टर में हमने देखा कि पोस्टिंग किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डज एन अकाउंट शो अ नील बैलेंस। कौन से भी अकाउंट को नील मतलब जीरो बैलेंस कब दिखता है, जब उस अकाउंट के डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की टोटल सेम है तो कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा, तो उसे बोलेंगे हम नील बैलेंस। नील बैलेंस क्यों होता है, बिकॉज जो बैलेंस होता है वो क्या है, हमारे जो दोनों साइड होते हैं उनका जो डिफरेंस है उसे हम बैलेंस कहते हैं, राइट। और अगर दोनों साइड इक्वल है तो डिफरेंस विल बी जीरो, तो इसीलिए नील बैलेंस आएगा व्हेन डेबिट एंड क्रेडिट साइड टोटल इज इक्वल। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज फोलियो। फोलियो मतलब क्या, इट इज अ पेज नंबर। तो जब लेजर में हम जर्नल फोलियो लिखते हैं दैट मींस इट शोज द पेज नंबर ऑफ द जर्नल फ्रॉम वेयर द ट्रांजैक्शन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द लेजर। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज द स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट इज यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। जो स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ लेजर होता है बच्चों, हमारा जो नॉर्मल लेजर होता है उसमें हम क्या करते हैं, देखिए नॉर्मल जो लेजर होता है इस तरह होता है, राइट। दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, और यहाँ पे हमारा डेट का कॉलम है, दिस इज अमाउंट, दिस इज अमाउंट, दिस इज जर्नल फोलियो, दिस इज डेट, दिस इज डेट, एंड दीज आर पर्टिकुलर्स, राइट। रफ फॉर्मेट मैंने आपके लिए बनाया, यू नो दिस ऑलरेडी। ये होता है हमारा टी फॉर्मेट, राइट। और जो इस तरह का होता है स्टेटमेंट फॉर्म, उसमें क्या होता है बच्चों, स्टेटमेंट फॉर्म में देखिए इस तरह से यहां पे डेबिट और यहां पे क्रेडिट अमाउंट होगी, यहां पे पर्टिकुलर्स एंड डेट आएंगे। ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ अ लेजर। तो याद करिए, आपने ऐसा फॉर्मेट लेजर का कहीं देखा है क्या, वेयर डू वी सी दिस। ये हम देखते हैं हमारे पासबुक में, राइट। जो बैंक से हमें स्टेटमेंट्स आते हैं वो इसी फॉर्मेट में तो आते हैं, इजंट इट। तो दैट इज द रीजन जब भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूज होता है देन दिस इज द फॉर्म ऑफ लेजर जो हम देखते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ओके। आगे, Why proprietor's capital account is a liability for the business? ये हमने शुरुआत के लेक्चर्स में जब हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे ना बच्चों, ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वहां पे हमने देखा था बच्चों दैट देयर इज अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस अलग और प्रोप्राइटर अलग। सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग proprietor and business are two different entities, right? And accounts are maintained from the point of the business. So, jab bhi hum recording karte hain, we are always in the shoes of the business.
Isn't it? That is the reason. अगर proprietor ने हमें पैसा दिया है, that will be liability for the business because proprietor will become an outsider for that transaction. So इसलिए business owes that much money to the proprietor and that is why इसे हम liability मानते हैं because ये दो अलग-अलग entities है. These are not the same from the point of view of journalizing because of the business entity concept. ये जरूर mention करना है आपको. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने जो बेसिक प्रिंसिपल्स देखे थे अकाउंटेंसी के उस लेक्चर में ये डिटेल में समझा है बच्चों हमने. ओके चलो नेक्स्ट. व्हाई डज कैश अकाउंट नेवर शो अ क्रेडिट बैलेंस. अब कैश अकाउंट में क्या होता है बच्चों देखिए कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट करेक्ट. सो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो व्हाटएवर comes in मतलब जो भी कैश हमें मिलता है that is cash receipts are recorded on the debit side और credit what goes out मतलब जो भी हमारे payments होते हैं वो हम credit side पे record करते हैं. isn't it? अब ये बताइए कभी भी cash का payment क्या cash के receipts से ज्यादा हो सकता है. मेरे pocket में अगर 100 rupees है क्या मैं 120 खर्चा कर सकती हूँ. It is not possible, ना? मैं maximum 100 ही खर्चा कर सकती हूँ. तो cash payment can never exceed cash receipt and that is why cash account can never show a credit balance. All right. Next, what is a trial balance? Trial balance क्या होता है? हम जहाँ पे सारे ledger account का balance दिखाते हैं, उसे हम trial balance कहते हैं, है ना? तो इस तरह आपको लिखना है. Trial balance is a list of debit and credit balances of different ledger accounts on a particular date. ये बहुत जरूरी है. सिर्फ कभी भी आप balance निकाल देंगे ऐसे नहीं, आपको date mention करना जरूरी है. Trial balance as on particular date होता है, ठीक है? So this is a list of all our debit and credit balances, ठीक है? चलो आगे. Question one हो गया, now question two. Write the term phrase which can substitute each statement. Principal books of accounts. क्या है principal book of accounts? ये ledger है. याद रखिए बच्चों, journal is a primary book of account. Okay? Principal book of account ledger है. Okay? Next, transferring a journal entry to the appropriate accounts in ledger. इसे हम कहते हैं posting. Next, page number of ledger to which an entry is posted. That page number is known as LF. Ledger. Folio. Next, the process of extracting the balance and inserting it on lesser side of an account. ये क्या बोलते हैं? जो less side है account की, वहाँ पे जब हम balance लिखते हैं, उस process को क्या कहा जाता है? उस process को हम कहते हैं balancing. Ledger को हम balance करते हैं और जो बचा हुआ amount है, that is the balance of that ledger, right? This process is known as balancing. Next. डेबिट बैलेंस टू पर्सनल अकाउंट. अभी किसी भी पर्सन को अगर डेबिट बैलेंस है इसका मतलब वो हमारा कौन बन जाता है? वो हमारा बन जाता है डेटर. ओके आगे अ क्रेडिट बैलेंस टू बैंक अकाउंट. अगर बैंक में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है इसका मतलब हमारे जो पेमेंट है वो ज्यादा है. इसका मतलब हमने बैंक से कोई फैसिलिटी ली है इसलिए हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है. उस फैसिलिटी को हम बोलते हैं बैंक Overdraft, bank OD. Okay? आगे, an account to be debited for goods damaged by fire. अगर हमारे goods fire के वजह से damage हुए, ये हमारा नुकसान है. So, हमारा कौन सा account debit होगा? Loss by fire. Okay? Next, a trial balance in which only net balances of all ledger accounts are transferred. ऐसा trial balance जहाँ पे सिर्फ net balance transfer होते हैं, उसे हम बोलते हैं नेट ट्रायल बैलेंस. ओके और जहां पे सारे ग्रॉस अमाउंट्स ट्रांसफर होते हैं. ग्रॉस अमाउंट मतलब डेबिट साइड की टोटल भी ट्रांसफर होगी और क्रेडिट साइड की टोटल भी ट्रांसफर होगी. ऐसे जो ट्रायल बैलेंसेस होते हैं उसे हम ग्रॉस ट्रायल बैलेंस कहते हैं बच्चों. बट जनरली वी डोंट यूज दोस ट्रायल बैलेंसेस बिकॉज हमें फिर डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि बाबा एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में क्या बैलेंस दिख रहा है. सो दैट इज व्हाई नेट ट्रायल बैलेंसेस ही हम यूज करते हैं. चलो आगे. सिलेक्ट अप्रोप्रिएट alternatives फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड री राइट द सेंटेंस. सी री राइट बोला है तो आप आंसर शीट में पूरा सेंटेंस लिखेंगे. ओके इन केस ऑफ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन
वन ऑफ द अकाउंट मस्ट बी अ डैश अकाउंट. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बच्चों, तो आप ऑल्टरनेटिव देख लो एक बार, क्या कैश अकाउंट हो सकता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, तो कैश का तो सवाल ही नहीं आता है. सेकेंड इज क्रेडिट. क्रेडिट क्या होता है? ऐसा कोई अकाउंट नहीं है. थर्ड देखो पर्सनल, क्या कोई पर्सनल अकाउंट हो सकता है क्रेडिट? डेफिनेटली. तो हमारा आंसर है पर्सनल. अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वन ऑफ द डेबिट या क्रेडिट में कोई पर्सनल अकाउंट जरूर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, सीडी इंडिकेट्स डैश बैलेंस. सीडी कब लिखते हैं हम? बैलेंस कैरीड डाउन, उसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस. तो आंसर है बी. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे कोई बच्चों, तो आप बस ये याद रखिए, क्लोजिंग का सी और सीडी का सी, क्लोजिंग क्लोजिंग सी सी. ओके, सीडी कब लिखेंगे? जब क्लोजिंग बैलेंस होगा, और ओपनिंग बैलेंस होगा तो ब्रॉड डाउन लिखते हैं हम. ठीक है. नेक्स्ट, कॉलम ऑफ लेजर, डैश कॉलम ऑफ लेजर इज यूज फॉर राइटिंग पेज नंबर ऑफ द जर्नल. विच कॉलम? जेएफ, जर्नल फोलियो. नेक्स्ट, डेटर्स अकाउंट शोज डैश बैलेंस. डेटर्स का अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा? डेबिट बैलेंस. ओके. नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग द डिफरेंस बिटवीन टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ईच लेजर. हमने अभी ऊपर देखा, उसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग. नेक्स्ट, टोटल ऑफ परचेज बुक इज डैश टू परचेज अकाउंट. परचेज बुक की जो टोटल होती है वो हम परचेज अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. फर्स्ट पोस्टेड, सेकेंड मूव्ड, थर्ड गिवन एंड फोर्थ एंटर्ड. तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पोस्टेड. ओके. नेक्स्ट, रियल अकाउंट ऑलवेज शोज डैश बैलेंस. रियल अकाउंट में क्या होगा बच्चों? हमारे सारे एसेट्स होंगे, तो एसेट्स जो है उनका हमेशा बैलेंस होगा डेबिट. तो आंसर है सी, डेबिट. नेक्स्ट, डैश इज प्रिपेयर्ड टू टेस्ट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अगर हमें चेक करनी है तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस. तो हमारा आंसर है ए. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीजंस. तो यहाँ रीजंस भी लिखने हैं हमें. फर्स्ट, लेजर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इज दिस ट्रू? नो, दिस इज फॉल्स. ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल होता है, और लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री या सेकेंडरी एंट्री हम बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड पोस्टिंग. नो, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग. एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर अकाउंट्स इट इज नोन एज पोस्टिंग. ओके, तो ये हो जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट, अ कैश विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस बाय द ट्रेडर should be credited to drawings account. Cash अगर withdraw किया है तो क्या आएगा? Drawings account debit to cash, right? तो हमने drawings account को debit किया है यहाँ पे. So this is a false statement. Next, balances of nominal accounts are carried forward to the next year. बच्चों ये हम detail में आगे भी बहुत अच्छी से देखने वाले हैं. जब भी हम balances करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, और जो रियल और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस है बच्चों वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं अगले साल के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट, व्हेन डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड द अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस. दिस इज व्हाट दिस इज ट्रू बिकॉज हमारा बैलेंसिंग मतलब क्या होता है? दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड की टोटल. तो अगर हमारी डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है इसका मतलब देयर इज अ डेबिट बैलेंस. ओके. आगे, नेम ऑफ एन अकाउंट रिटन ऑन टॉप ऑफ ईच अकाउंट इज कॉल्ड हेड ऑफ द अकाउंट. यस, दिस इज ट्रू. व्हाई? बिकॉज एन अकाउंट रिफ्लेक्ट्स ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस अंडर अ पर्टिकुलर हेडिंग, राइट? तो इसलिए जो भी नाम होता है जो हम ऊपर लिखते हैं दैट इज नोन एज द हेड ऑफ दैट अकाउंट. ओके. नेक्स्ट, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑलवेज प्रूव्स अकाउंटिंग एक्यूरेसी. No, this is incorrect. This is a false statement. Because even though your trial balance tallies, there might be a scenario जहां पे कोई errors हो सकते हैं accounting में. So errors of accounting cannot be revealed by the trial balance. That is the reason this statement is false. Okay? Next, trial balance is based on double entry principle that for every debit there is equal amount of corresponding credit. अब बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं जब हम जर्नल एंट्रीज लिख रहे हैं जर्नल में.
राइट। और जर्नल एंट्रीज का ही पोस्टिंग होता है लेजर में, और लेजर के बैलेंसेस से बनता है ट्रायल बैलेंस। So that is why this statement is true, because trial balance is based on double entry accounting system. Okay, next, fill in the blanks. Dash balance on nominal account shows expense or loss. Nominal account में कौन सा balance अगर रहा तो हमें expense या loss लगेगा? Debit balance. याद करिए हमारे three golden rules. Debit the expenses and losses. Okay, next, cash account always shows dash balance. Cash account will always show a debit balance. Okay? Next, right hand side of an account is called dash side. Right hand side is the credit side. Next, creditors show dash balance. Abhi creditors ka balance hamesha credit aayega na? Next, डैश अकाउंट्स आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हमने देखा कुछ ही देर पहले, जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हम उनके बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, ये आगे चल के हम और भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं बच्चों, तो आप इसकी चिंता मत करिए। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन। ओके, this is how you are going to write, brought down. Next, rent paid for residential quarter will be debited to dash. देखिए यहाँ पे residential है, residential मतलब क्या हो गया? Personal expense हो गया proprietor का, तो personal expense है तो obviously drawings account को हमें debit करना होगा। Next, sold goods of 24,000 at 20% profit on cost, परचेज प्राइस कितनी है निकालना है, तो अगेन लेट अस डू द मैथ। यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 24,000, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, और हमें ये पता है दैट अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग कितना है? 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 100 का 20% मतलब 20 रुपीज, तो टोटल सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगी। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए? अगर सेलिंग प्राइस 24,000 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 120 एंड दिस गिव्स अस 20,000। ओके, चलो आगे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। जर्नल जर्नलाइजिंग डैश इज पोस्टिंग, तो ये आ जाएगा लेजर। सेल्स रिटर्न जब होता है तो हम उसे रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, करेक्ट। तो अगर परचेज रिटर्न किया, जो खरीदा उसे हमने वापस दिया, तो इसे हम बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि गुड्स बाहर जाते हैं ना, तो रिटर्न आउटवर्ड हो गया। LF, ये हम जर्नल में कॉलम लिखते हैं, तो लेजर के कॉलम को क्या कहते हैं? JF, राइट। नेक्स्ट, एसेट्स को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा होगा क्रेडिट। लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट है, कमीशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। याद करिए थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट आ रहा है बच्चों, हाई टाइम दैट यू ऑल शुड चेक दैट लेक्चर, जहां पे हमारे क्लासिफिकेशन हमने वहां पे बहुत थरली किया है बच्चों। क्लासिफिकेशन बेसिक है आपके जर्नल एंट्रीज का, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्रीज आएगा तो आपको जर्नलाइज करते आएगा। अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है कि कौन सा अकाउंट कौन सा क्लासिफिकेशन है, प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। अनटिल यू नो द क्लासिफिकेशन, हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई द थ्री गोल्डन रूल्स? Okay, so please ensure that classification में you are thorough. All right, आगे put dash mark for the nature of the balance. यहाँ पे tick mark होना चाहिए. Okay, capital को कौन सा balance होता है? हमेशा credit balance. Goodwill is what? It is my asset. Goodwill को होगा debit balance. Bank overdraft, it is a liability. So it always has a credit balance. Bills receivable, debit balance. Creditors, credit balance. Drawings, drawings का balance होगा debit. Advertisement, expense है तो debit. Prepaid rent, अब बच्चों गौर करिए, prepaid जब rent होती है तो हमारी entry क्या आएगी? हमने rent pay की है, जो advance में pay की हमने, तो हमारी entry होती है इस केस में prepaid rent account debit
कैश और बैंक, ये जो रेंट है ये हमने पे कर दिया ना, तो हम उसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट का अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस। अगर आपको कोई भी डाउट है ऐसे जर्नल एंट्री पास करके देखिए, आपको समझ जाएगा कि कौन सा बैलेंस आता है। ऑलराइट, आगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये ऐसी सैलरी होती है जो हमने पे नहीं की, तो यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करते हैं, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिकॉज पेमेंट नहीं हुआ तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम क्रेडिट कर देते हैं, इजंट इट, एंड दिस इज आवर लायबिलिटी, सो इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। ओके, एंड लास्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है, हमारा नुकसान है ना, तो इसलिए बैड डेट्स का हमेशा होगा डेबिट बैलेंस। ओके, यहाँ पे बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप यहाँ पे आपको सब बहुत ही अच्छे से समझ गया है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और कमेंट जरूर करिए जाते जाते बच्चों। योर कमेंट्स एंश्योर दैट वी कीप पोस्टिंग सच लेक्चर्स फॉर यू, एंड विदाउट फेल शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय।